Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara. Today, we are going to study about jute plant. Jute plant. Jute ka padab. बच्चों, आप जूट के बारे में तो जानते होंगे। जूट हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हमारे घर में या कहीं बाहर देखते हैं आप, जो भी बोरे रस्सी जो होती है, बोरा होता है, पैकिंग का सामान होता है, भराई होती है, इन सब में जूट के फाइबर्स काम आते हैं। जूट काम आता है इन सब में। मेनली क्या बनते हैं इससे, बोरे बनते हैं और रस्सी बनती है, बाकी पैकिंग में भराई में बोरे काम आते हैं। जूट से हमें क्या मिलता है, जूट से हमें फाइबर्स मिलते हैं। बच्चों, फाइबर्स क्या है, व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स एक विशेष प्रकार की दीर्घित संकीर्ण वे काष्ठिल दृढ़ोत की कोशिकाएं हैं। क्या है फाइबर्स, क्या है एक विशेष प्रकार की दीर्घित संकीर्ण लिग्निफाइड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं। इनके छोर या तो पॉइंटेड होते हैं या ब्लंट होते हैं। ये पौधे के विभिन्न अंगों जैसे एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, वेस्कुलर बंडल में पट्टी, प्लेट या एंटायर सिलेंडर के रूप में व्यवस्थित होती है। सामान्यतया ये वेस्कुलर बंडल में बाहुल्यता में पाई जाती है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनमें पर्याप्त टेंसिल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी होती है। इनमें क्या होता है, तनन सामर्थ्य, लचीलापन तथा प्रतिस्थापना होती है। इसी कारण ये फाइबर्स जो हैं हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। जूट, जूट क्या है, बॉटनिकल नेम जूट का क्या है, कोरकोरस। देसी नाम क्या है इसका, जूट या पटसन। ये टिलेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। जूट की दो स्पीशीज हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, एक तो वाइट जूट कोरकोरस कैप्सुलेरिस, दूसरा डार्क जूट ओर्टोसा कोरकोरस ओलिटोरस। जूट को हम गोल्डन फाइबर के रूप में भी जानते हैं। इकोनॉमिकली जूट हमारे लिए कपास के बाद दूसरे स्थान पर फाइबर्स के रूप में जूट का स्थान है। जूट क्या है, नेचुरल फाइबर है जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। ये एक मृदु या बास्ट फाइबर है, ये एक सॉफ्ट या बास्ट फाइबर है जो कोरकोरस की दो स्पीशीज कोरकोरस कैप्सुलेरिस तथा कोरकोरस ओलिटोरियस से के स्टेम से प्राप्त होता है। जूट हमें किससे प्राप्त होता है, कोरकोरस के स्टेम से प्राप्त होता है। भारतवर्ष में इसका प्रयोग हजारों वर्षों से किया जाता था, परंतु 16वीं शताब्दी में इसे प्रमुख बोरा वस्त्र से क्लोथ के रूप में उपयोग किया जाने लगा। 1947 तक विश्व में जूट की सबसे अधिक खेती इंडिया में, भारतवर्ष में होती थी, यानी विश्व उत्पादन का 90% भाग जो है वो इंडिया में प्रोडक्ट था। परंतु देश विभाजन के साथ जूट उत्पादन का अधिकांश क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। ये क्षेत्र अब बांग्लादेश में भी स्थित है। अभी भी जूट के विश्व उत्पादन का 80% भाग भारत व बांग्लादेश में पैदा होता है। भारतवर्ष में जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा में होता है। ये इन राज्यों की कैश क्रॉप नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। बॉटनिकल करैक्टर ऑफ जूट प्लांट, जूट के पौधे के वानस्पतिक लक्षण। कोरकोरस
जूट की दोनों कल्टीवेटेड स्पीशीज कोरकोरस कैप्सुलेरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस वार्षिक वे काष्ठीय उपशूप हैं, वुडी अंडरश्रब हैं। इसकी ऊंचाई 2 से 3 मीटर तक होती है। शाखाएं सामान्यतः स्तंभ के शीर्ष की ओर पाई जाती हैं। इसमें पत्तियां जो होती हैं अल्टरनेट क्रम में एकांतर क्रम में लगी होती हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसके लीव्स जो हैं अल्टरनेट क्रम में लगी होती हैं, स्टिपुलेट होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, सरल वे अंडाकार ओवेट होती हैं। पुष्प एकल सॉलिटरी तथा 3-4 पुष्पीय साइम में व्यवस्थित होते हैं। अब हम आते हैं कल्टीवेशन ऑफ जूट, जूट की हम खेती कैसे करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर। जूट के लिए उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। जूट इज ए रेनी सीजन क्रॉप सोन फ्रॉम मार्च टू मई अकॉर्डिंग टू रेनफॉल एंड टाइप्स ऑफ लैंड। जूट क्या है, रेनी सीजन की फसल है जो मार्च से मई के बीच में बोई जाती है और वे लैंड अकॉर्डिंग टू रेनफॉल बारिश और जो इसकी ज़मीन है उसके अनुसार इसकी बुआई होती है। जूट रिक्वायर्ड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ टेम्परेचर बिटवीन 24 to 37। जूट के लिए उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है और ये 24 से 37 डिग्री टेम्परेचर पे इसकी खेती के लिए उपयुक्त होता है। यद्यपि इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकती है परंतु जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी बच्चों इसके लिए सबसे उपयुक्त है, एलुवियल सोइल, इसमें इसकी खेती सबसे अच्छी होती है। सबसे पहले कल्टीवेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो खेत में 5-6 बार हल चलाकर मिट्टी को हल्का कर लिया जाता है। खेत में 5-6 बार हल चलाकर मिट्टी को हल्का कर लिया जाता है। इसके बाद इसके बीज छिटका कर या हाथ से रोप कर बोए जाते हैं। इसके बीज को या तो बाई ब्रॉडकास्टिंग छिटका देते हैं या हाथ से रोप देते हैं, बाई डिबिंग उनको हाथ से दबा के बोते हैं। बोने से पूर्व मिट्टी में गोबर की खाद या राख अच्छी तरह से मिलाई जाती है। सोइंग ऑफ जूट स्टार्ट विद द शावर इन मार्च और अप्रैल, या तो ये मार्च या अप्रैल में इसकी बुआई करते हैं एंड कंटिन्यूस टिल अर्ली जून, और अर्ली जून तक इसकी बुआई कर सकते हैं। फास्फोरस पोटाश नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर यूज फॉर दिस क्रॉप। इस क्रॉप्स के लिए हम फर्टिलाइजर के रूप में फास्फोरस पोटाश व नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसके खेत में गोबर की खाद व राख को अच्छी तरह से मिला देते हैं। जूट इज हार्वेस्टेड एनी टाइम बिटवीन 120 डेज टू 150 डेज व्हेन द फ्लावर्स हैव बीन शेड। अर्ली हार्वेस्टिंग गिवन गुड हेल्दी फाइबर्स। द हार्वेस्टेड प्लांट आर लेफ्ट इन द फील्ड फॉर 3 डेज फॉर द लीव्स टू शेड। फसल इसकी जो है 120 से 150 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाती है तथा इसकी कटाई पौधों की पुष्पन अवस्था में की जाती है। जब इसकी फ्लावरिंग स्टेज चलती है, फ्लावरिंग स्टेज होती है, उस समय इसकी कटाई की जाती है। इसकी फसल 60 से 90, इसकी फसल 120 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। लेकिन अब इसकी कुछ वेराइटीज ऐसी आ गई हैं, साइंटिस्ट ने कुछ जो है ब्रीडिंग के द्वारा कुछ ऐसी वेराइटीज़ को तैयार किया है जो 60 से 90 दिन के अंदर भी तैयार हो जाती है इसकी फसल। इसकी कटाई पौधों के फ्लावरिंग स्टेज में की जाती है। पौधों को बिल्कुल आधार से काटा जाता है। इसके व्रंत छोटे छोटे गठरों में बांधकर खेत में 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। इसके व्रंत जो होते हैं स्टॉक्स होते हैं उनको बंडल में बांधकर
खेत में 2-3 दिन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा करने से इसकी पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। ये इसका क्या है, हार्वेस्टिंग प्रोसेस है। हार्वेस्टिंग प्रोसेस के बाद हम इसका रेटिंग प्रोसेस करते हैं। जूट की प्रोसेसिंग में नेक्स्ट रेटिंग प्रोसेस। रेटिंग इज ए प्रोसेस इन विच फाइबर्स गेट लूजन ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ हार्ड सेल वॉल बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। द बंडल आर स्टीप्ड इन वाटर एटलीस्ट 60-90 सेंटीमीटर डेप्थ। जो इसके बंडल जो हमने खेत में 2-3 दिन के लिए छोड़ दिए थे, इनकी पत्तियाँ गिर गई थी, अब उन बंडलों को उठाकर हम ठहरे हुए पानी के अंदर इसको 60-90 सेंटीमीटर डेप्थ में डाल देते हैं, ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा इसकी हार्ड सेल्स जो होती हैं उनका डिकम्पोजिशन हो जाए। स्तंभ से फाइबर्स को अपलग्न या सड़ाकर अलग किया जाता है। रेटिंग का मतलब क्या होता है, सड़ाना। स्तंभ से फाइबर को अपलग्न या सड़ाकर रेटिंग द्वारा अलग किया जाता है, जो कि ये कार्य किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके लिए स्तंभ के गठरों को कोई भी समीपवर्ती स्थिर जल, जो स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी होता है, जैसे तालाब है, गड्ढों की सतह पर बिछा दिया जाता है। सामान्यतः गठरों की 3-4 परतें एक दूसरे के समकोण पर रखी जाती हैं। इन्हें पानी में पूर्णता डुबो दिया जाता है। इसके ऊपर खरपतवार, लट्ठे, लोक्स, पत्थर आदि हैवी वेट रख दिया जाता है, ताकि ये पानी में पूर्ण रूप से डूबे रहें। रेटिंग के प्रोसेस में अपलग्न की क्रिया में 10 से 30 दिन का समय लगता है। ये प्रक्रिया अनेक कारकों, अनेक फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होती है, जैसे मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, तालाब तथा गड्ढे में जल की गहराई तथा तापमान पर निर्भर होती है। जब स्तंभ से छाल आसानी से अलग होने लगे तो ये अपलग्न की क्रिया को पूर्ण समझा जाता है। जब स्तंभ से छाल अलग होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि रेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। रेटिंग के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है स्ट्रैपिंग प्रोसेस, फाइबर एक्सट्रैक्शन। स्ट्रैपिंग प्रोसेस आता है, स्ट्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फाइबर्स फ्रॉम द स्टॉक आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेटिंग। जैसे ही रेटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है, उसके बाद फाइबर्स को अलग किया जाता है। इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं। जब स्तंभ से छाल आसानी से अलग होने लग जाए तो ये हम क्या समझते हैं कि रेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद इसके सॉफ्ट टिश्यू विकृत हो जाते हैं और फाइबर स्ट्रैंड जाइलम से अलग हो जाते हैं। अब इसके बाद स्ट्रैपिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, हम स्तंभ को किसी लकड़ी या पत्थर पर पटक पटक कर फाइबर्स अलग किए जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो स्टेम होता है, स्तंभ होता है, उसको किसी लकड़ी या पत्थर पर पटक पटक कर फाइबर्स को अलग किया जाता है। फिर अलग करने के बाद क्या करते हैं, वॉशिंग प्रोसेस करते हैं। एक्सट्रैक्टेड फाइबर आर वॉश्ड इन क्लीन वाटर। जो फाइबर हमने अलग किए हैं उनको हम क्लीन वाटर से वॉश करते हैं। द डार्क कलर ऑफ फाइबर कैन बी रिमूव्ड बाय डिपिंग देम इन टेमेरिड वाटर। जो डार्क कलर के फाइबर्स होते हैं, हम उसको 15 से 20 मिनट तक टेमेरिड वाटर में डिप करते हैं। उसके बाद हम इसको क्लीन वाटर से दोबारा से वॉश करते हैं। पानी से धोकर इसकी सतह पर चिपके हुए अन्य ऊतकों को भी अलग कर दिया जाता है। अब इसके बाद आता है ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस, द फाइबर्स आर हंग ऑन बेम्बू रेलिंग फॉर सन ड्राइंग फॉर 2 to 3 days। फाइबर्स को हम क्या करते हैं, बेम्बू रेलिंग पे या कोई भी एक रेलिंग पर, बड़ी जगह पर सूर्य के प्रकाश में 2 to 3 दिन के लिए सुखाते हैं। आफ्टर ड्राइंग द फाइबर आर रेडी टू सोल्ड इन द मार्केट। ड्राइंग के बाद ये जो फाइबर्स होते हैं मार्केट में,
बेचने के लिए तैयार रहते हैं। कोरकोरस के 100 किलो हरे पौधे से लगभग 6 किलो जूट फाइबर्स हमें प्राप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जूट फाइबर। अब आते हैं हम बेलिंग एंड पैकिंग प्रोसेस। द बेलिंग ऑफ जूट फाइबर्स इज डन अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग सिस्टम। बेलिंग का कार्य जूट फाइबर के ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार होता है। द फाइबर्स इज ग्रेडेड इनटू टॉप, मिडिल, बी, सी एंड एक्स बोट। सबसे अच्छा फाइबर को टॉप में रहते हैं, फिर हम मिडिल, फिर बी, फिर सी, फिर सबसे लास्ट में जो सबसे लोअर क्वालिटी का फाइबर होता है उसको हम सबसे बॉटम में एक्स के डिग्री में लेते हैं। पैकिंग इनटू कच्चा बाल्स अबाउट 250 पाउंड्स फॉर यूज़ इन मिल्स और जूट मार्केट। ये 250 पाउंड्स के हम बेल्स बनाते हैं, इनको मिल्स और जूट मार्केट में इसको बेचते हैं। स्टेजेज ऑफ प्रोसेसिंग। स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ जूट फाइबर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन का प्रोसेस करते हैं, बुआई करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर रेटिंग करते हैं, फिर स्ट्राइपिंग, देन वॉशिंग, इसके बाद ड्राइंग, और इसके बाद बेलिंग एंड पैकेजिंग, एंड इसके बाद हम करते हैं स्टोरेज। जूट, करेक्टरिस्टिक ऑफ जूट फाइबर्स। जूट फाइबर के क्या क्या गुण होते हैं, ग्रेट एंटी स्टेलिक प्रॉपर्टीज, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, 100% बायोडिग्रेडेबल होता है, चीप इन मार्केट, कैन बी वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, वोवन सेक्टर, नॉन वोवन सेक्टर्स में ये यूज़ होता है। जूट फाइबर कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अपलग्न से प्राप्त जूट, जूट जो स्टैंड्स होते हैं उनकी लंबाई 1.5 से 3 मीटर तक होती है। इनकी सतह कैसी होती है, इनकी सतह चिकनी होती है, वे अनुप्रस्थ काट में इनका आकार बहुभुजीय होता है। जूट के फाइबर्स में उत्तमता, फिटनेस, कलर, चमक, लंबाई व सामर्थ्य के आधार पर इसका चुनाव किया जाता है कि इसकी फिटनेस कैसी है, इसका कलर कैसा है, इसका लूजर चमक कैसी है, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी सामर्थ्य स्ट्रेंथ इसकी कितनी है, इसके आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। इसके रेशो में लिग्निन 10 से 12% तक होता है, इसके कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है इसकी कम होती है। लिग्निन में सेलुलोज के अलावा इसके अंदर फैट्स, वैक्स, गम्स वे कुछ मिनरल सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। यूजेज ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट के उपयोग। जूट एक मेनली जूट का उपयोग किसके लिए बच्चों किया जाता है, आप अपने घर में भी देखते हैं बच्चों कि जूट का उपयोग बोरा निर्माण व रस्से निर्माण में किया जाता है। जूट एक बैगिंग मटेरियल है, बोरा वस्त्र के रूप में इसकी पहचान होती है। जूट के कुल उत्पादन का 75% भाग बोरे या सेक्स बनाने में प्रयोग किया जाता है। जूट के बोरे विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री जैसे गेहूं, आलू, चीनी, चावल व दालों दाल मिलों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादों जैसे सीमेंट आदि की पैकिंग में भी जूट के सेक्स का प्रयोग किया जाता है। आजकल जूट का उपयोग पर्दे, कर्टन्स बनाने में किया जाता है, कारपेट्स, कालीन बनाने में किया जाता है, ब्लैंकेट्स, कंबल बनाने में, लिनोनियम, मोमजामा, ऑयल क्लोथ्स के रूप में किया जाता है। रस्सा या रोप्स वे घटिया किस्म के कपड़े आदि बनाने में भी जूट का उपयोग किया जाता है। मिश्र, सूडान, ग्रीस आदि देशों में कोरकोरस के कोमल भाग जो होते हैं, ऊपर का सॉफ्ट पार्ट होता है, उसका उपयोग सब्जी बनाने के रूप में भी किया जाता है। इस पौधे के स्तंभ का आधारी भाग वे छोटे फाइबर्स से कागज भी तैयार किया जाता है। इसके बीजों से प्राप्त तेल का प्रयोग साबुन वे पेंट उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है।
फुटवेयर लाइनिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वॉल कवरिंग व फर्निशिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए जूट हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत यूज़फुल है। थैंक यू।